काशी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निकाय चुनाव के मद्देनजर पार्टी प्रत्याशियों को विजयी बनाने की जनता से अपील की। काशी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सुसवाई क्षेत्र में पहुंचकर नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर पार्टी के महापौर प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहले 50% वोट हमारा था और 50% भी हमारा बंटवारा था, परंतु इस बार उन्होंने नया नारा दिया, कहा कि 75% वोट हमारा है और 25% में भी बंटवारा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा की हवा निकल चुकी है, कोई भी चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं दिख रहा है। उप मुख्यमंत्री के सुसवाही पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने हर हर महादेव के उद्घोष से उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सभासद और महापौर के प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। इस दौरान कार्यकर्ता काफी उत्साहित रहे। जब गढ़ है तो जीत का अंतर स्वाभाविक तौर से बहुत अधिक होगा। 2023 का नगर निकाय का चुनाव एक आंधी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैं देख रहा हूं। महापौर और पार्षद यह सब भारी अंतर से जीत रहे हैं, काशी भी जीत रहे हैं, प्रदेश भी जीत रहे हैं। सपा बसपा कांग्रेस की हवा निकल चुकी है, इसलिए 13 मई को जब वोटों की गिनती होगी तो मैं यह नारा आप सबके साथ भी दोहराता हूं। 13 मई नगर निकाय चुनाव से सपा बसपा कांग्रेस गई। अखिलेश यादव कहते हैं कि मेट्रो उन्होंने बनाया, विकास उन्होंने किया, मेट्रो पर चढ़कर प्रचार करने वाले हैं। अगर उन्होंने विकास किया है तो उन्हें लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया है? उन्होंने तो समाजवादी पार्टी गुंडों, माफियाओं, अपराधियों को पैदा करने की फैक्ट्री है, इसे लोग गुंडे ही नहीं चाहते, अपराध नहीं चाहते, माफियागिरी नहीं चाहते, विकास चाहते हैं, सुशासन चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, तो सपा नहीं भाजपा दे सकती। धन्यवाद। एक 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 हमारा सवाल, जिस प्रकार से इलाहाबाद में हुआ और जय श्री राम के नारे लगे, क्या मानते हैं कि रामराज की स्थापना हो गई है? उसकी जांच चल रही है, आयोग भी जांच कर रहा है, SIT भी कर रही है, उस पर मेरा बोलना कुछ नहीं है। जिन्होंने मारा है क्या उनके घर भी बुलडोजर चलेगा? देखिए, अभी मैंने कहा उसकी जांच चल रही है और जिस जांच को चला रहे हैं, मैं सरकार में हूँ, इस नाते मैं इस पर कोई कौन क्या पोस्टर जारी किया उससे मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी चाहे काशी हो, चाहे प्रयाग हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चकाचक आंधी चल रही। कमल क्या मुद्दे को लेकर इस बार आप लड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरे देश में विकास किया है, जो उत्तर प्रदेश में विकास किया है, जनता अब उम्मीद करती है कि अगर कोई पार्टी है और कोई दल है देश में रहना चाहिए, प्रदेश में रहना चाहिए, तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। आप बनारस के किसी भी विकास के मॉडल को देख लीजिए, चाहे काशी विश्वनाथ जी के विकास का मॉडल हो, चाहे हमारे यहाँ रोडवेज से लेकर के रेलवे का विकास हो, चाहे सड़कों का कायाकल्प का विकास हो, चाहे प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था का विकास हो, अगर किसी पार्टी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पहली बार सीर गोवर्धन में जो लोग अपने को सपा की गढ़ मानते थे, आज वहां कमल खिलने जा रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे 100 की 100 सीटों में कमल खिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बीच सुनिश्चित है, क्योंकि निश्चित रूप से जनता ने मन बना लिया है कि अगर कोई विकास दे सकता है।